Hello everyone, we start with the next most important topic, the algorithms for operations on stack. यहाँ पर हम पांच algorithms देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के अंदर आपको दो algorithms दिखाई दे रहे हैं, algorithm for push operation and algorithm for pop operation. Push का मतलब होता है insert करना और pop का मतलब होता है element को delete करना. तो आप देख सकते हैं हमारी मेन मेमोरी लीनियर है. एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम हमारे इस एल्गोरिदम के स्टेप्स को यानी कि स्यूडो कोड को रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरह से इसका आउटकम दिखेगा. तो एस रिप्रेजेंट्स स्टैक, एक स्टैक बना लेते हैं जिसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पांच एलिमेंट्स आने वाले हैं, एस ऑफ 0 टू एस ऑफ 4. तो आप देख सकते हैं पहला इंडेक्स आपका 0 है और लास्ट इंडेक्स आपका 4 है, और 0 से पहले एक इंडेक्स ले लिया है हमने विच इज -1, और इनिशियली टॉप ऑफ स्टैक होता है -1, वो आप जानते हैं. सो TOS इंडिकेट्स टॉप ऑफ स्टैक, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय -1. वैल्यू इंडिकेट्स द एलिमेंट टू बी पुश्ड, जिस एलिमेंट को हम पुश करना चाहते हैं उसको वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर रखा जाएगा. साइज रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक, आपके स्टैक के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसको हम साइज से इंडिकेट करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट यहां पर हमने 5 लिया है. तो एस ऑफ 0 से लेकर एस ऑफ 4 तक के अंदर आप एलिमेंट्स को पुश एंड पॉप कर सकेंगे. स्टेप नंबर 1, चेक फॉर स्टैक ओवरफ्लो. If toss equal equal to size minus 1, आप देखिए toss क्या है minus 1 और size क्या है, size minus 1 आपका क्या है 4, यानी कि minus 1 equal equal to 4, condition is false, ये सही नहीं है. तो जब condition false होती है तो step number 2 के अंदर जाएगा input value from the user. आप user से एक value input करवाइए, user कोई ना कोई value input करेगा, for example 5. 5 इनपुट होने के बाद स्टेप नंबर 3, इंक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक यानी कि TOS बाय 1. एलिमेंट को पुश करने के लिए इस एलिमेंट को 5 को मुझे स्टैक के अंदर डालना है, तो टॉस को एक इंक्रीमेंट कीजिए, तो टॉस इक्वल टू टॉस प्लस 1, सो टॉस बिकम्स 0. आपका टॉस -1 था, सो -1 + 1 इट बिकम्स 0. तो आप देखिए पॉइंटर एक आगे की तरफ आ गया. पुश द एलिमेंट इनटू द स्टैक, उसको स्टैक के अंदर डाल दीजिए, s of toss equal to value, तो आप देखेंगे कि 5 वहां पर हमने इंसर्ट कर दिया. अगेन हम पुश ऑपरेशन करते हैं, पहले एग्जिट हो जाएगा पुश ऑपरेशन करने के लिए. स्टेप नंबर 1, चेक फॉर स्टैक ओवरफ्लो. ओवरफ्लो की कंडीशन याद कीजिए, इफ TOS इक्वल इक्वल टू साइज -1, तो टॉस की वैल्यू क्या है 0 और साइज -1 है 4. 0 इक्वल इक्वल टू 4, नो द कंडीशन इज फॉल्स. फॉल्स होने की वजह से स्टेप नंबर 2 पर आएगा, यूजर से एक वैल्यू इनपुट की जाएगी, द वैल्यू इज नाउ 10, वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर वो आ गई. स्टेप नंबर 3, इंक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक बाय 1, TOS को एक बढ़ा दीजिए, TOS इक्वल टू TOS प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1 इट बिकम्स 1, पॉइंटर एक और आगे की तरफ आ गया. नाउ पुश द एलिमेंट इनटू द स्टैक, s of toss equal to value, s of toss यानी कि s of 1 में आपका एक एलिमेंट आ गया 10, जो हमने पहले इनपुट लिया था, एंड एग्जिट. तो इस तरह से हमने स्टैक के अंदर एलिमेंट को पुश किया. अगेन आप फिर से चेक कीजिए, चेक फॉर स्टैक ओवरफ्लो, ये होता जाएगा. अगेन कंडीशन आपकी फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स होने के कारण स्टेप नंबर 2 के अंदर जाएगा, इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर, यूजर नई वैल्यू इनपुट करेगा, दैट इज 15. अगेन इंक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक बाय 1, आपका TOS इक्वल टू TOS प्लस 1 हो जाएगा, इट बिकम्स 2. नाउ पुश द एलिमेंट इनटू द स्टैक, s ऑफ toss इक्वल टू वैल्यू, तो यहां पर नई वैल्यू आपने इंसर्ट कर दी, दैट इज 15, पुश कर दी, एग्जिट. अगेन आप पुश कर सकते हैं, चेक फॉर स्टैक ओवरफ्लो, इफ TOS इक्वल इक्वल टू साइज -1, 2 इक्वल इक्वल टू 4, कंडीशन इज फॉल्स. अगेन कंडीशन फॉल्स होने के कारण स्टेप नंबर 2 के अंदर जाएगा, इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर, वैल्यू इनपुट करेगा, द वैल्यू इज 20. नाउ अगेन इंक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक बाय 1, TOS इक्वल टू TOS प्लस 1, आपका टॉप ऑफ स्टैक हो जाएगा 3. अगेन स्टेप नंबर 4, पुश द एलिमेंट इनटू द स्टैक, s ऑफ toss इक्वल टू वैल्यू, s ऑफ 3 के अंदर आपका एलिमेंट आ गया 20, एंड एग्जिट. अगेन आप स्टैक के अंदर एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पहले चेक कीजिए स्टैक, चेक फॉर स्टैक ओवरफ्लो, इफ टॉस इक्वल इक्वल टू साइज -1, टॉस है आपका 3 और साइज -1 है 4. नाउ अगेन ये कंडीशन चेक होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, इसकी वजह से स्टेप नंबर 2 के अंदर जाएगा, इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर, यूजर से एक वैल्यू इनपुट की जाएगी, फॉर एग्जांपल 25, एंड इंक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक बाय 1, TOS इक्वल टू TOS प्लस 1, तो आपका टॉप ऑफ स्टैक बन जाएगा 4.
Now push the element into the stack, s of toss equal to value, आपके एलिमेंट आ गया 25 एंड एग्जिट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं आपका स्टैक फुल हो गया है. अब पुश करने की कोशिश कीजिए, तो चेक फॉर स्टैक ओवरफ्लो. इफ TOS इक्वल इक्वल टू साइज माइनस वन, देखिए टॉस है 4 और साइज माइनस वन भी है आपका 4, 4 पर पॉइंटर पहुंच गया है, तो ये कंडीशन चेक करेगा 4 इक्वल इक्वल टू 4, नाउ कंडीशन इज ट्रू. यहां पर जब कंडीशन ट्रू होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप पुश नहीं कर सकते, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज स्टैक ओवरफ्लो. आउटपुट स्टैक ओवरफ्लो एंड एग्जिट, ये मैसेज यूजर को दिख जाएगा और आपका ये फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि अब आप पुश नहीं कर सकते. तो पुश नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, पॉप तो कर सकते हैं, यानी कि एलिमेंट को डिलीट तो कर सकते हैं, तो आपका एल्गोरिदम फॉर पॉप ऑपरेशन आप एग्जीक्यूट कर सकेंगे. तो S represents stack, जो आपको पहले से ही पता है. TOS indicates top of stack, top most element आप देखिए TOS क्या है, 4, 4 पर आपका TOS होगा. And value indicates the element popped, जिसको हम pop करेंगे यानी कि remove करेंगे, वो अब value नाम के variable के अंदर store किया जाएगा. Now step number 1, check for stack underflow. याद कीजिए previous video के अंदर stack underflow की condition क्या है, if TOS equal equal to माइनस वन, आपका TOS देखिए क्या है, TOS है 4 और माइनस वन सबसे पहला इंडेक्स है, क्या 4 माइनस वन के बराबर है, नो, सो इट इज नॉट अंडरफ्लो, तो फॉल्स रिटर्न करेगा, इसकी वजह से स्टेप नंबर 2 में जाएगा. तो परफॉर्म डिलीशन ऑपरेशन, डिलीट करने के लिए वैल्यू इक्वल टू s ऑफ टॉस, जो s ऑफ टॉस में है वो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, यानी कि s ऑफ टॉस में है आपका 25, वो निकल गया और वो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर आ गया. अगेन डिक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक, आप TOS को एक कम कीजिए, TOS इक्वल टू TOS माइनस 1, सो TOS बिकम्स 3, एक कम कर दिया आपने. अब इस एलिमेंट को डिस्प्ले करवा दीजिए जिसको आपने अभी पॉप किया, सो आउटपुट वैल्यू 25 आउटपुट हो जाएगी. इस फंक्शन से आप इस एल्गोरिदम से बाहर आ जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे. अगेन ध्यान दीजिए, अब आपके यहाँ पर एक एलिमेंट की स्पेस है s of 4 के अंदर, तो अब आप चाहें तो पुश भी कर सकते हैं, अब आप चाहें तो पॉप भी कर सकते हैं, दोनों ऑपरेशंस कर सकते हैं. लेट अस अगेन डू द पॉप ऑपरेशन. स्टेप नंबर 1, चेक फॉर स्टैक अंडरफ्लो. इफ TOS इक्वल इक्वल टू माइनस वन, चेक कीजिए क्या 3 इक्वल इक्वल टू माइनस वन है, नो, बिल्कुल नहीं. स्टेप नंबर 2 के अंदर जाएगा, तो परफॉर्म डिलीशन ऑपरेशन, वैल्यू इक्वल टू s ऑफ टॉस, यानी कि अब आपका 20 निकल गया और वो वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा. डिक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक, आपका TOS इक्वल टू TOS माइनस 1 कर दीजिए, सो TOS बिकम्स 2, एक कम कर दिया काउंटर. वापस से आपका डिस्प्ले द पॉप्ड एलिमेंट, जिसको पॉप किया उसको आप डिस्प्ले करवा दीजिए, सो आपका एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा 20. तो आपके इस फंक्शन में से, इस एल्गोरिदम में से वापस से एग्जिट करेगा. अगेन आप देखिए आपके पास दो स्पेस हैं, s ऑफ 3 एंड s ऑफ 4. अब आप चाहें तो वापस से पुश भी कर सकते हैं, पॉप ऑपरेशन भी कर सकते हैं. लेट अस परफॉर्म द पुश ऑपरेशन. तो पुश ऑपरेशन के लिए स्टेप नंबर 1 में जाएगा. इफ TOS इक्वल इक्वल टू साइज माइनस 1, तो TOS देखिए 2 है और साइज माइनस 1 है आपका 4. तो क्या ये कंडीशन सही है, 2 इक्वल इक्वल टू 4? नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स. क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेप नंबर 2 के अंदर जाएगा. इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर, वैल्यू यूजर से इनपुट करवाई जाएगी, सो द न्यू वैल्यू इज 30. नाउ इंक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक बाय 1, एलिमेंट पुश करने के लिए TOS को इंक्रीज करना होता है, सो TOS इक्वल टू TOS प्लस 1, तो आपका TOS बन गया 3, पहले 2 था, प्लस 1 किया, सो इट इज नाउ 3. अब पुश द एलिमेंट इन द स्टैक, स्टेप नंबर 4, s ऑफ टॉस में वैल्यू डालिए, वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर 30 है, उसको s ऑफ टॉस के अंदर यानी कि s ऑफ 3 के अंदर पुश कर दीजिए, तो s ऑफ टॉस के अंदर वैल्यू आएगी 30 और आप इस एल्गोरिदम से एग्जिट हो सकते हैं. अगेन एक स्पेस खाली है तो पुश कीजिए या पॉप कीजिए. फिर से हम पुश करते हैं. इफ टॉस इक्वल इक्वल टू साइज माइनस 1, क्या टॉस साइज माइनस 1 है यानी कि 3 इक्वल इक्वल टू 4 है? नो, दिस इज अगेन फॉल्स. इसीलिए स्टेप नंबर 2 के अंदर आएगा. इनपुट वैल्यू फ्रॉम द यूजर, यूजर से एक वैल्यू इनपुट करवाइए. तो यहां पर न्यू वैल्यू सपोज 35 यूजर ने इनपुट कर दी. अगेन इंक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक बाय 1, अब TOS को वापस से आपको बढ़ाना पड़ेगा. TOS इक्वल टू TOS प्लस 1, सो TOS बिकम्स 4. नाउ पुश द एलिमेंट इन टू द स्टेप, स्टेप नंबर 4 के अंदर, s ऑफ टॉस के अंदर इस 35 को आप पुश कर दीजिए. एलिमेंट अब आपने पुश कर दिया और अब आप एग्जिट हो गए.
अब आप पुश नहीं कर सकते, चेक कीजिए क्या आप पुश कर सकते हैं। स्टेप नंबर वन, चेक फॉर स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन देखिए, इफ टीओएस इक्वल इक्वल टू साइज माइनस वन, आपके टीओएस की वैल्यू है 4 एंड साइज माइनस वन भी है 4, तो दिस कंडीशन इज ट्रू एंड दैट इज वाई आउटपुट स्टैक ओवरफ्लो एंड एग्जिट। यानी कि अब आप वापस से पुश नहीं कर सकते। पुश नहीं किया जा सकता तो पॉप किया जा सकता है। तो अब आप राइट साइड में देखिए कि किस तरह से एलिमेंट्स को पॉप किया जाएगा। स्टेप नंबर वन, चेक फॉर स्टैक अंडरफ्लो। अंडरफ्लो की कंडीशन क्या है, इफ टीओएस इक्वल इक्वल टू माइनस वन, टॉस की वैल्यू है 4 और माइनस वन इंडेक्स दोनों अलग है, सो द कंडीशन इज फॉल्स। तो स्टेप नंबर टू के अंदर जाएगा, परफॉर्म द डिलीशन ऑपरेशन, वैल्यू इक्वल टू एस ऑफ टॉस, एस ऑफ टॉस में से वैल्यू को निकालिए और उसको वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर रखिए, सो 35 निकल गया। अगेन डिक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक बाय वन, उसको एक कम कीजिए, टीओएस इक्वल टू टीओएस माइनस वन, तो आप देखेंगे टीओएस की वैल्यू 3 हो गई। नाउ डिस्प्ले द पॉप्ड एलिमेंट, जिसको आपने पॉप किया उसे आप डिस्प्ले करवा दीजिए, सो द एलिमेंट इज 35। आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ एंड एग्जिट। अगेन आप पुश भी कर सकते हैं, पॉप भी कर सकते हैं, जैसे आपको पहले बताया। लेट अस परफॉर्म ऑल द पॉप ऑपरेशंस। फिर से स्टेप नंबर वन, चेक फॉर स्टैक अंडरफ्लो। इफ टीओएस इक्वल इक्वल टू माइनस वन, तो आपकी कंडीशन चेक होगी, 3 इक्वल इक्वल टू माइनस वन, द कंडीशन इज फॉल्स। क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो स्टेप नंबर टू के अंदर जाएगा, परफॉर्म द डिलीशन ऑपरेशन, वैल्यू इक्वल टू एस ऑफ टॉस, एस ऑफ टॉस में से एलिमेंट निकल गया, वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। टॉप ऑफ स्टैक को एक कम कर दीजिए, टीओएस इक्वल टू TOS minus 1, so TOS becomes 2. पहले 3 था, अब ये 2 हो गया. Display the popped element, उसको आप display करवा दीजिए, so the element is 30 and exit. Again आप वापस से pop कर सकते हैं, तो check for stack underflow. If TOS equal equal to minus 1, check कीजिए 2 equal equal to minus 1. No, वापस से आपकी condition false है, तो step number 2 के अंदर जाएगा. Perform the deletion operation, value equal to S of TOS. S of TOS में से वैल्यू को निकालिए, यानी कि आपका 15 निकल गया, और डिक्रीमेंट द टॉप ऑफ स्टैक बाय 1, सो उसको एक कम करेंगे, TOS इक्वल टू TOS माइनस 1, सो TOS बिकम्स 1. स्टेप नंबर 4, डिस्प्ले द पॉप्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट को हमने पॉप किया है उसको आप डिस्प्ले करवा दीजिए, आउटपुट वैल्यू आपका एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा 15, जिसको आपने रिमूव किया था, एंड एग्जिट। अगेन पॉप ऑपरेशन करते हैं। स्टेप नंबर 1, चेक फॉर स्टैक अंडरफ्लो। If TOS equal equal to minus 1, क्या 1 equal equal to minus 1 है? No, the condition is false. Condition false है, इसलिए step number 2 के अंदर जाएगा, perform the deletion operation, value equal to S of TOS. तो S of TOS में जो भी था, that is 10, उसको निकाल दिया जाएगा, उसको value नाम के variable के अंदर रखेगा. Step number 3, decrement top of stack by 1, उसको एक कम कीजिए, TOS equal to TOS minus 1, so TOS becomes 0. अगेन डिस्प्ले द पॉप्ड एलिमेंट, आउटपुट वैल्यू आपके पॉप्ड एलिमेंट 10 है, उसको आपने डिस्प्ले करवा दिया, एंड एग्जिट। लास्ट अगेन हम वापस से पॉप कर सकते हैं, अभी भी हमारा एक एलिमेंट स्टैक के अंदर है। सो इफ टीओएस इक्वल इक्वल टू माइनस वन, आप देखिए टीओएस है 0 और हमारा माइनस वन है, तो क्या 0 इक्वल इक्वल टू माइनस वन? नो, द कंडीशन इज फॉल्स। क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेप नंबर 2 के अंदर जाएगा, हम डिलीशन ऑपरेशन कर सकते हैं, वैल्यू इक्वल टू एस ऑफ टॉस, यानी कि 5 एलिमेंट निकल जाएगा, वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा। नाउ डिक्रीमेंट टॉप ऑफ स्टैक बाय 1, सो टीओएस इक्वल टू टीओएस माइनस 1, आप देख सकते हैं फाइनली टॉप ऑफ स्टैक फिर से माइनस 1 पर आ गया, एंड डिस्प्ले द पॉप्ड एलिमेंट, आउटपुट वैल्यू इसको आपने डिस्प्ले करवा दिया, दैट इज 5, एंड एग्जिट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेक कीजिए क्या अब आप पॉप कर सकते हैं, क्या अब आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। चेक फॉर स्टैक अंडरफ्लो। टॉस इक्वल इक्वल टू माइनस वन, यानी कि माइनस वन इक्वल इक्वल टू माइनस वन, यस, दिस कंडीशन इज ट्रू, दैट इज वाई जब कंडीशन ट्रू होती है, आउटपुट स्टैक अंडरफ्लो एंड एग्जिट। अब आपका स्टैक अंडरफ्लो है और आपके इस एल्गोरिदम में से एग्जिट हो जाएगा। अब आप पॉप नहीं कर सकते, लेकिन अब आप पुश ऑपरेशन तो कर सकते हैं, तो फिर से पुश कीजिए, फिर से पॉप कीजिए। तो ये पुश एंड पॉप ऑपरेशंस, यानी कि इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशंस की मदद से आपका पूरा स्टैक के अंदर एलिमेंट कभी इंसर्ट होते हैं, कभी डिलीट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जिसको कंप्यूटर साइंस में
बैकग्राउंड में काफी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में काफी सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें स्टैक बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल होता है, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता है। आगे जाकर आगे की वीडियोस में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम रिमेनिंग तीन ऑपरेशंस इसके नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। रिमेनिंग तीन ऑपरेशंस का नाम है पीप, चेंज एंड डिस्प्ले, यानी कि ट्रावर्स। जैसे हमने पुश और पॉप किया, इसी प्रकार पीप और चेंज करेंगे और एक डिस्प्ले ऑपरेशन भी हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।